आप कंप्लीशन मोड पर हैं, अब होगा जादू। आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपका जो हार्ड टाइम चल रहा था, जो डिफ़िकल्टीज टाइम आप फेस कर रहे थे, वो सब कुछ अब ओवर हो चुका है। आपके जीवन में जो हार्ड टाइम चल रहा था, जो बार बार डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे थे, उसे ओवर कर दिया गया है। वो सभी समापन की ओर चल गई हैं। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आने वाला है। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो परेशानियाँ भी दूर हुई है आपकी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आपकी उस परेशानी को परमेश्वर ने छूमंतर कर दिया है। अब आप पूरी तरह से आज़ाद होने वाले हैं। आपके एंसेस्टर लिटरली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। आप पर कोई भी गलत नज़र डाले, ये आपके एंसेस्टर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उनके बर्दाश्त से बाहर ये सारी बातें, वो अटैक कर देते हैं आपके हेटर्स पर, एनिमीज पर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में वो अटैक कर देते हैं आपके एंसेस्टर्स। सो यह चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है। आप जिस प्रकार से सही राह पर चल रहे हैं, जो आप मतलब लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप उस लॉयल्टी को बस बरकरार रखिएगा। यह मैसेज आपसे, आपको यह मैसेज दी जा रही है। कोई डिफ़िकल्टी फेस था जो कंप्लीट हुआ है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरमार लगने वाले हैं। हर प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपकी तरफ ना बहुत सारी पॉजिटिविटी को मैं आते देख रही हूँ। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने अंदर। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि आपने अपने एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों से कहा है, आपके जो पूर्वज हैं उनसे आपने जो भी कहा है वो उस बात पर अमल कर रहे हैं। आपके पूर्वज वही कर रहे हैं जो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा ना इम्प्रेस करते हैं। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और आपकी खुशी के लिए वो जो कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। आपके हेटर्स पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में अटैक करते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आपको खुश देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपकी खुशियों में दखल देने की यदि कोई कोशिश करता है, तो आपके एंसेस्टर्स सच में उनको कड़ी सजा देते ही देते हैं। यह चीज़ यहाँ पर क्लियरली आई है, यह चीज़ स्पष्ट रूप से यहाँ पर आई है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपके और आपके मतलब जो आपके पूर्वज है, वो आपके हेटर्स को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वह किसी भी प्रकार की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की दखल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी खुशियों में किसी भी प्रकार की दखलबाजी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही वो करेंगे। तो आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उन लोगों के लिए जो आपसे हेट करते हैं, जो आपको दुखी करना चाहते हैं, जो आपके खिलाफ गलत षड्यंत्र रचते हैं। उन लोगों से बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स नाराज हैं। सो यह चीज़ यहाँ पर आ रही है, यह चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, फ्रीडम आ रहा है, हो पा रहा है। हो सकता है आप किसी नेगेटिविटीज़ पे ट्रैप थे,
कोई ऐसी मतलब परिस्थिति आ चुकी थी जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रहे थे, अब वो सभी टाइम जो आप फेस कर रहे थे डिफ़िकल्टीज़ वो ओवर हो रहा है, कठिनाइयाँ का समय अब ओवर हो रहा है, आपके जीवन से कठिनाइयाँ अब हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही है, आपके जीवन में अब बहुत बहुत सारी मैं हीलिंग आते हुए देख रही हूँ, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है बिकॉज आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो, आप यूनिवर्स के उपासक हो, आप आदि शक्ति के उपासक हो, आप शिव शक्ति के उपासक हो, आप आदि शिव के उपासक हो, आप परमेश्वर के बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय हो, आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हो, यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी है, जो डिवाइन की एनर्जी है, आप उनमें विश्वास रखते हो, आप परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, यस डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, या आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं, या कोई आपके लिए आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, वह आपसे अपनी मन की बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार को वो जाहिर करना चाहते हैं, यस आपको न्याय दिया जा रहा है, डिवाइन अपना पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, जो भी बैकग्राउंड में ड्रामा चल रहा था आपके लिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रही थी, जो तकलीफ आपको मिल रही थी, जो क्रियाएं चल रही थी, जो बैकस्टेबिंग चल रही थी, जो चीज़ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करी जा रही थी, वे सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर ने डिवाइन ने उठा करके बाहर फेंक दी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, आपके जीवन से उन सभी काली चीज़ों को आउट कर दिया गया है, उन चीज़ों को हटा दिया गया है, बिकॉज जजमेंट आ रहा है, ईश्वर का जजमेंट अब आपके पक्ष में आ रहा है, और ईश्वर ने आपका पक्ष लिया है, वह आपके फेवर में है, और वह जानते हैं कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, आप अपने जीवन में पीस इंजॉय करने वाले हो, बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है, शांति सद्भाव इंजॉय आप करने वाले हो, कई सारे एरियाज़ में आप पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड कर दिया गया है, अब आप हर प्रकार से नेगेटिविटी से दूर हो चुके हो, अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आ चुके हो, आपको ढक लिया है पॉजिटिव एनर्जी ने, आपको कवर अप कर लिया है पॉजिटिव एनर्जी ने, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, ईश्वर ने आपको अपने आभा मंडल के कवच में रख लिया है, आप पूरी तरह से कवर अप प्रोटेक्टेड हैं, मुझे यहाँ भी सुनाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हैं, और आपको बहुत सारा ज्ञान दिया भी जा रहा है, कुछ मैसेज के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिलेंगे, कुछ ऐसे संकेत आपको मिलेंगे, हो सकता है कहीं पर आप कोई बैनर पर हो जहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ मिले, तो डेफिनेटली वह आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज ही होगा जो ईश्वर की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, उन मैसेज पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, उन मैसेज को ध्यान से देखिए, उन मैसेज को अब आप पढ़िए, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हैं, आपके ज्ञान को मतलब बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान को इन्हेंस कराने के लिए वह मैसेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे मैं आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज बार बार ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अब आने वाले हैं,
अनकंडीशनल लव आ रहा है, आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है। आप में से किसी के लाइफ में कोई न्यू मेंबर भी आने वाला है, किसी की फैमिली में कोई न्यू मेंबर बहुत जल्द आने वाला है। विक्ट्री, डबल विक्ट्री का कार्ड आया है, मीन्स नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है। नेगेटिविटी एनर्जी को आपने हरा दिया है, वो भी बहुत ही बहादुर के साथ आपने उस नेगेटिविटी को हराया है। पॉसिबल है आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये भी दो बार आया है, मतलब बहुत जल्दी आपकी कोई विश तो पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। आप एक हीलर हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग आपका नेचर है, आप सभी से ना बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, सभी से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बिकॉज ये आपका नेचर है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आई थी मैं देख रही हूँ आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत ही बहादुरी के साथ आपने उन चैलेंजेस को फेस करी है और उन पर डेफिनेटली आपने जीत हासिल करी है, वहाँ पर झंडे गा रहे हैं अपने जीत की। इमोशनली डिस्टेंस भी आप किसी से हुए थे, आपका किसी से इमोशनली डिस्टेंस हुआ था, किसी से आप थोड़े ना दूर हुए थे, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी से थोड़े से इमोशनली दूर हुए थे। हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली हो किसी से, तो वह बहुत ही अकेलेपन, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जिस किसी से भी आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है वह अभी फ़िलहाल बहुत ही हेल्पलेस हैं, बहुत ज़्यादा असहाय हैं, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। और आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, यस डेफिनेटली, किसी प्रकार से तो आपने नकारात्मक ऊर्जा को हरा दिया है, नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से आपने हरा कर उनको उसकी असली जगह दिखा दी है। आपके सामने किसी का वजूद सच में हिल चुका है, यस कोई है जो आपके मतलब आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मतलब आपके लिए वो ना कुछ फील कर रहा है, किसी को बहुत हताश निराश होती है, मतलब वो ज़्यादा लो एनर्जी में चला गया है, कोई पर्सन आपके साथ दूर है और वह आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। आपके जीवन में हार्मनी हो रही है या आपके जीवन में डेफिनेटली हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। जो रुकावटें थी, जो चीज़ एक जगह पर स्थिर हो चुकी थी, जो रुक गई थी, वह दूर हो चुकी है, वह सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से दूर कर दी गई है। वह रुकी हुई सिचुएशंस, परिस्थिति सब दूर हो रही है, डेफिनेटली कुछ साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई साइकिल है जो कंप्लीशन मोड पर आ चुका है, किसी तरह का कोई ऐसा साइकिल था जो बस चल रहा था वो एंड हो रहा है। एक फेस आपके जीवन का था जो ओवर हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पर ना मैं आपके यहाँ पे कोई जीत को देख रही हूँ, जिन लोगों ने आपको डिसकनेक्ट किया है जिससे आपने अपने आप को मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, वो काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी, कंप्लीशन में आ रहे हैं ये लोग, मतलब आपकी लाइफ से ना यूनिवर्स इन लोगों को ना दूर करना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ईश्वर के फेवरेट हो, दिव्य शक्तियों के आप फेवरेट हो, इसी वजह से विजय आपकी हुई है और डबल विक्ट्री का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपने विजय तो प्राप्त करी है, आपकी विजय तो हुई है, आप जीत के बहुत ज़्यादा करीब आई हो, इसीलिए विक्ट्री टाइप करें और यूनिवर्स को 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद जरूर ही कहे। किसी को पता था कि आप चुने हुए बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो, इसीलिए आपको रोकने के लिए
बहुत सारे स्पेल वर्क किए गए हैं और उन्होंने आपको सैड एनर्जी में रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी जिससे आप सैड एनर्जी में रहे, ताकि आप अपनी तरफ आ रही खुशियों को ना देख पाओ, अपनी तरफ आ रही हैप्पीनेस को ना पहचान पाओ, अपनी खुशियों को ना पहचान पाओ जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, अपनी तरफ आ रहे प्यार को नहीं पहचान पाओ। लेकिन आपने अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ओवरकम कर लिया है ईश्वर की सहायता से, दिव्य शक्तियों की सहायता से। तो यह बहुत ही क्लियर मैसेज है और यह बहुत ही स्पष्ट रूप से मैसेज आया है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी विजय निश्चित है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, फिलहाल वो लोग लो कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, क्योंकि उनके आत्मविश्वास को आपने ध्वस्त कर दिया है। ईश्वर ने उनके आत्मविश्वास को ध्वस्त कर दिया है। सो यह चीज़ आज बहुत ही क्लियर आई है, आपके साथ गलत करने वालों को ईश्वर ने ध्वस्त कर दिया है, उन्हें स्वाह कर दिया है। 440 के साथ लिखे, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। टाइप करें, विक्ट्री अबंडेंस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा सपोर्ट हमें जरूर ही दे। थैंक यू सो मच। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पापा।